देखिए लॉकडाउन 2.0 के अंदर तब पूरे देश को ये इंतजार था कि आखिरकार जो नई गाइडलाइन गृह मंत्रालय की ओर से आने वाली है उसके अंदर क्या क्या राहत दी जाएगी, क्या छूट दी जाएगी। तो इसको लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन को जारी कर दिया है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। और स्पष्ट दिशा निर्देश सबसे पहले तो ये दिए हैं कि जितने भी हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई राहत वहां पर नहीं मिलेगी। यानी कि ये स्पष्ट है कि जिन जिन इलाकों में केसेस आए हैं वहां पर किसी प्रकार की छूट देने के लिए सरकार की इस वक्त कोई मंशा नहीं है, जिससे कि तमाम जो दूसरे लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित हो। वहीं कुछ गाइडलाइन के अंदर जो राहत दी है वो राहत कई सेक्टर्स को लेकर दिए, जैसा कि हम लगातार दो दिन से बता रहे हैं पीटीवी इंडिया पर कि मजदूर वर्ग जो है और जो किसान है उसके लिए सरकार गाइडलाइन जारी कर सकती है, और उसी को लेकर इस गाइडलाइन के अंदर फैसला किया गया है। गाइडलाइन के अंदर बिल्कुल स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ना तो किसी प्रकार का कोई प्लेन चलेगा और ना ही किसी प्रकार की मेट्रो, बस और ट्रेन चलेगी, क्योंकि देखा गया है कि मुंबई और सूरत से जो खबरें आ रही थी, जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई, उसके अंदर देखा गया कि मजदूर वर्ग जो था वो स्टेशन पर चला गया, उनको उम्मीद ये थी कि ट्रेन चलने वाली है। लेकिन स्पष्ट गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट लिख कर भेजा गया है राज्यों को कि किसी प्रकार से कोई मेट्रो, बस, प्लेन और ट्रेन नहीं चलेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके साथ में जो कृषि से जुड़े हुए काम है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो बीज के दुकानें हैं, जो मंडियां हैं, उनको खोलने की रियायत दी गई है, वहां पर काम शुरू हो जाएगा अब। और उसके साथ ये जो तमाम काम होंगे, जो कटाई के इस वक्त फसल कटाई का वक्त है, वो जो काम होंगे वो तमाम काम मनरेगा के तहत होंगे। मनरेगा को इसके अंदर राहत दी गई है, मनरेगा के जरिए काम शुरू हो जाएगा और किसानों को जो इस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था वो दिक्कत अब खत्म हो जाएगी। किसान आराम से मंडियों तक पहुंच पाएंगे, उनका जो सामान है, जितनी भी खाद सामग्री है, जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, वो मंडियों तक आसानी पहुंच पाएगी। और इसके लिए ट्रकों को जो इंटर स्टेट और स्टेट के बाहर जो आवाजाही है उसमें उनको राहत दी गई है, वो अब मूवमेंट जो है वो अपना कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट ये कहा गया है कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे किसान हो, तमाम लोगों को मुंह पर उनको रुमाल या गमछा ये बांधना अनिवार्य है। मास्क लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। मास्क अगर नहीं है तो जो गमछा होता है या रुमाल होता है उसको बांधना पूरी तरीके से अनिवार्य है, और ये पूरे देश के अंदर एक गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक अधिकारियों को जो गाइडलाइन भेजी है उसके अंदर ये कहा गया है कि औद्योगिक गतिविधियां जितनी भी हैं उन पर लगातार रोक जारी रहेगी, जैसा कि जो लॉकडाउन 1.0 था उसके अंदर था, ठीक इसी प्रकार का इसमें भी रहेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अगर जाएगा तो उसका मास्क पहनना अनिवार्य है। आवश्यक सामान और दवाइयों का उत्पादन जो है वो जारी रहेगा, हालांकि राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी संख्या में उत्पादन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिन जिन जगहों पर होता है वहां पर उत्पादन फिलहाल जारी रहेगा। सहज में जितने भी औद्योगिक उत्पादन होते हैं वो उत्पादन जारी रहेंगे। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों की आवाजाही की इजाजत डिस्ट्रिक्ट के अंदर और स्टेट के अंदर दे दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में इजाजत दे दी गई है कि ट्रक जो है वो जो कृषि से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है, यानी कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, या इस समय जो फसल है उसकी आवाजाही को लेकर किसी प्रकार से ट्रकों को रोका नहीं जाएगा, वो ट्रक सहूलियत के साथ में जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलीफोन, ये जो तमाम जो जरूरत की चीजें हैं कि आवश्यक सारी चीजें जारी रहेंगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है जिसका हम जिक्र लगातार दो दिन से कर रहे थे, जिसमें राहत देने की बहुत बड़ी गुंजाइश भी थी और जरूरी भी थी, क्योंकि समय के मुताबिक गर्मी का मौसम आ गया है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर वर्ग को है और जो लोग घरों में इस वक्त कैद है और कई तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत की यह खबर है कि बिजली, मैकेनिक, प्लम्बर और कारपेंटर, इन लोगों को इजाजत दे दी गई है नई गाइडलाइन के मुताबिक, ये लोग जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम हमारे दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला भी आना बाकी है। ये गाइडलाइन राज्यों को निर्देशित कर दी गई है, लेकिन राज्यों को अपने हिसाब से किस तरीके से राज्य के अंदर इस गाइडलाइन की पालना करवानी है, किस तरीके से यहाँ पर ये लागू किया जाएगा, उसको लेकर अभी मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन आना राज्य के अंदर बाकी है। लेकिन केंद्र ने स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि बिजली, मैकेनिक, प्लम्बर और कारपेंटर, और सबसे बड़ी बात है जो कुरियर सर्विस है,
कुरियर सर्विस को भी इसके अंदर शामिल किया गया है, कुरियर सर्विस भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी, उनको भी शामिल कर दिया है, यानी कि उनका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस पूरे गाइडलाइन के ऊपर राज्य सरकार को अभी ऐलान करना बाकी है, राज्य सरकार को अभी फैसला करना बाकी है। राज्य सरकार ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि जो राज्य जो केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन आएगी, जो गृह मंत्रालय देगा, उस गाइडलाइन को देखा जाएगा, उस गाइडलाइन को समझा जाएगा, उसके बाद जो टास्क कमेटी प्रदेश में बनाई गई थी उस कमेटी के सुझावों को भी उसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ी राहत की उम्मीद राजस्थान से और की जा सकती है। जो मजदूर वर्ग था, किसान वर्ग था, उनको जो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उसको लेकर एक बड़ी राहत ये हो सकती है। मजदूर और गरीब जो परिवार हैं, जो इस वक्त कारपेंटर, प्लम्बर या मैकेनिक का काम करते हैं, उनको एक बड़ी राहत मिल सकती है। इसके लिए राजस्थान सरकार के आदेश की अभी इंतजार करना चाहिए सभी को। लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों को सहूलियत मिलना तो बिल्कुल तय है। इसके साथ में जो कुरियर की सेवा शुरू की है वो एक बहुत बड़ा कदम है। कुरियर की सेवाओं को लेकर संचिता ई कॉमर्स जो वेबसाइट जितनी भी थी, हो सकता है कि अब राज्य सरकार उनको भी यहाँ पर किसी प्रकार से, क्योंकि जो तमाम काम होता है ये ऑनलाइन ही होता है और सिर्फ कुरियर के माध्यम से चीजों की डिलीवरी होती है, तो ये उम्मीद किया सकती है कि अब वो डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आवश्यक जितनी भी सेवाएं हैं उन्हें आने जाने की इजाजत रहेगी। आयुष और जो सभी हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक है, वो खुले रहेंगे। एपीएमसी से संचालित जितनी भी मंडियां हैं वो तमाम मंडियां खुली रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, कुरियर सेवाओं को इजाजत मिली चुकी है। इसके साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए जितने भी काम है उनको एक बड़ी राहत है। और इसके साथ में किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई के लिए सरकार ने छूट दी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसान खेत के अंदर जाकर बुवाई या फसल को कटाई करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि ये जो वक्त है कभी भी किसी भी वक्त, क्योंकि मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि मौसम कुछ जिलों के अंदर बिगड़ने वाला है, ऐसे में फसल में और बर्बादी ना हो। वैसे भी किसान ओलों की मार से अपनी फसल को बर्बाद कर चुका है, लेकिन अब आंधी तूफान से उसकी फसल बर्बाद ना हो किसी प्रकार से। इसलिए सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए किसानों को एक बड़ी रियायत दी है कि उनको अपनी फसल और किसी प्रकार से नई अगर बुवाई उनको करनी है तो उसको लेकर भी छूट इस नई गाइडलाइन में दे दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दे दी गई है। जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं जो किसानों की उपज को खरीदती हैं वो अब सीधे खरीद सकती है, उन्हें किसी प्रकार से कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हें एक ये बड़ी रियायत दी गई है कि मंडियों तक और जितने भी स्टोर हैं वहां पर किसानों का माल पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसानों के पास से जब माल यहां तक पहुंचेगा तभी लोगों के पास तक पहुंचेगा, इसीलिए ये बहुत जरूरी है और ये रियायत इसलिए सरकार ने दी है। मछली पालन से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उनको इजाजत दे दी गई है। मछली पालन शुरू हो जाएगा जितने भी मछुआरे हैं, उसके बाद जो मछली खाने वाले लोग हैं उनको ये एक बड़ी रियायत दी गई है कि उनके पास अब उनके खाने में मछली भी पहुंच जाएगी। मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत सरकार ने मनरेगा के तहत दी है, यानी कि मनरेगा के तहत जो कार्य है उसके तहत ही इन कामों को किया जाएगा। राज्य सरकार के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम हैं, वो काम भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन जो फैसला है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से इस पर पूरा दिशा निर्देश आना बाकी है कि मनरेगा के तहत वो राजस्थान में किस तरीके से काम करेंगे। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की एक अपील इस पूरी गाइडलाइन के अंदर की गई है कि कहीं भी किसी प्रकार से, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या मनरेगा के तहत काम हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क लगाना सबके लिए अनिवार्य है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पर भी जो मजदूर काम करेंगे उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। किसी प्रकार से भी सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर किसी प्रकार के नियम में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हॉटस्पॉट एरिया के लिए बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई रियायत इन इलाकों को नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो जारी गाइडलाइन है उसका पालन इन तमाम इलाकों के अंदर करना पड़ेगा और साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, इन इलाकों में आवश्यक सामानों की होम डिलीवरी होगी, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर भी राज्य सरकार को यह तय करना है कि जो होम डिलीवरी है वो कुरियर के माध्यम से करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती है, या कुरियर की सेवाएं इन हॉटस्पॉट इलाकों में शुरू करनी है या नहीं करनी, यह राज्य सरकार को अब तय करना है। लेकिन केंद्र ने अपनी ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए हैं कि मेडिकल गाइडलाइन जो आई है उन गाइडलाइनों का पूरी तरीके से पालना करवानी है। 20 अप्रैल के बाद 66 रियायत मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन केवल उन इलाकों को जहां पर कोरोना के कोई मामले नहीं है।
उन इलाकों को रियायत दिया सकती है। इस बात का जिक्र गाइडलाइन के अंदर किया गया है और जिसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी, यानी कि केंद्र सरकार खुद समीक्षा करेगी और राज्य भी अपने अपने स्तर पर इन जिलों की समीक्षा करेंगे कि वहां पर किस प्रकार की रियायत दी जा सकती है। और इसके बाद में जब रियायत दी जाएगी तो उसके अंदर भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी आदेश हैं, जितने भी नियम बताए गए हैं, उन तमाम नियमों के पालना करवाने के सख्त निर्देश दिए जाएंगे, जिससे कि जो ऑफिस और वर्क प्लेस, फैक्ट्री, जो संस्थान होंगे, वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना हो, कोरोना वायरस वहां पर ना फैले। अब हम हमारे दर्शकों को बताते हैं कि क्या क्या चीजें बंद रहेंगी। वैसे तो जो चीजें खुलने वाली है हमने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी जो बंद चीजें रहने वाली है 3 मई तक, वो हम आपको बता देते हैं। इनको लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, राज्य की सरकारें भी इसको नहीं खोलेंगी, जिसमें सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइटें हैं, ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर की आवाजाही वाली ट्रेनें हैं वो मालगाड़ी चालू है, लेकिन जितनी भी पैसेंजर ट्रेन हैं वो सब बंद हैं। सभी एजुकेशनल ट्रेनिंग जो कोचिंग सेंटर हैं वो पूरी तरीके से बंद है, यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तमाम जो सेक्टर हैं एजुकेशन से जुड़े हुए, ये तमाम बंद रहेंगे। इंडस्ट्री और कमर्शियल गतिविधि ये बंद रहेंगी, होटल बंद रहेंगे, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर, कोई भी इवेंट या फिर बड़ा कोई भी धार्मिक स्थान, ये छोटे धार्मिक स्थान, ये सब बंद रहेंगे 3 मई तक। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गाइडलाइन के अंदर बात की गई है, वो जिक्र इस बात का किया गया है कि किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा निर्देश दिया गया है गाइडलाइन के अंदर कि किसी की मृत्यु में अंतिम संस्कार जब हो रहा होगा तो वहां पर 20 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं होंगे, इसकी पालना भी सख्ती से करवाई जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि दर्शकों हम बता दें कि इस पूरी गाइडलाइन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला भी आना बाकी है। उनको मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू करना है प्रदेश में, उसको लेकर वो अपने संकेत स्पष्ट दे चुके हैं। एनडीटीवी इंडिया लगातार 2 दिन से कह रहा है कि प्रदेश के अंदर मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा, उस मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने से पहले जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है, इस गाइडलाइन को पढ़ा जाएगा, इस गाइडलाइन पर मंथन होगा और उसके बाद में इन गाइडलाइनों के साथ में जो मॉडिफाइड लॉकडाउन में छूट देनी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको भी ध्यान में रखेंगे। हम लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार किसानों और मजदूरों के लिए सोच रहे हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बहुत सारे गरीब तबके के लोग काम करते हैं, उनके लिए भी सोच रहे हैं। तो उम्मीद ऐसी की जा सकती है कि आज दोपहर तक, उम्मीद ये की जाती है शाम से पहले और दोपहर तक जो राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश है वो जारी हो जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार कुरियर सर्विस किस तरीके से चलेगी, जो मैकेनिक है, जो प्लम्बर है, उनको किस तरीके से काम करना है।